हाय गाइस, दिस इज़ रश्मि। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, हर तरह से मेहनत कर लेना चाहते हैं, हर कोशिश कर लेना चाहते हैं अपने मेडिकल कॉलेज जाने के लिए और एम्स आने के लिए। एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। आई गेट लॉट्स ऑफ ई मेल्स दैट यू आर फोर्थ ड्रॉपर, फिफ्थ ड्रॉपर, और आपको फिर भी करना है। आपका एक ही एम है कि आप एम्स आएँ, आपका एक ही एम है कि आप MBBS करें। सब कुछ ठीक है, पर एक बार आई जस्ट वॉन्ट यू कि एक बार ऐसे ज़रूर सोचना कि क्या आप इस जर्नी में खुश हो। आप जो इतना ड्रॉप कर रहे हो, आप जो सब कुछ दे रहे हो, क्या आप खुश हो? क्या ये जो जर्नी है, क्या आपके लिए वर्थ इट है? बिकॉज अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हो सकता है अभी मैं खुश नहीं हूँ, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल है, हो सकता है मैं मेडिकल कॉलेज चला जाऊँगा या चली जाऊँगी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तब सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, तो माई फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब तक कि आप खुद से उस चीज़ को अच्छा ना बनाओ, नहीं होता है। लेकिन आपको एक बात और जानना है कि मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद लाइफ कैसी होती है और कितना पढ़ना होता है। क्या अभी जितना पढ़ रहे उससे कम पढ़ना होता है? क्या अभी जितना प्रेशर उससे कम प्रेशर होगा मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद? या फिर क्या PG की सीट आसान होती है? अभी तो प्री मेडिकल टेस्ट इतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो रखा है, तो आपको कुछ आइडिया है कि PG में क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है? इट्स नॉट लाइक आई एम टेलिंग यू टू प्लान होल जर्नी, जस्ट इट्स लाइक कि आप एक बार एक रफ आइडिया एटलीस्ट रखो कि आप क्या करने वाले हो। क्या आप अपने आप को एक कॉलेज में इमेजिन कर पा रहे हो और आप देख पा रहे हो कि क्या आप वहाँ रह कर, आप जब सिर्फ पढ़ते रहोगे, मतलब सिर्फ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो लोग मैथ्स लवर होते हैं, ठीक है, और फिर वो बिल्कुल सिर्फ उनको जो है यहाँ पे आके सिर्फ बायो पढ़ना होता है, तो इट्स काइंड ऑफ उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है, जितना मज़ा आपको अगर आप बहुत अल्टीमेट मैथ्स लवर है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि अगर आप अपने आप को यहाँ पर एक बार खुद को रख कर देखो एक कॉलेज में, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में सारे सिलेबस के बीच में, और आप खुद से पूछो क्या आप एडजस्ट कर पाओगे, क्या आप खुश हो। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब इसको हाइप बना रखा है MBBS को, ठीक है, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, और मैं आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाह रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू कि एक बार अपना माइंड प्रिपेयर कर लो कि आप जब 4 महीने बाद जब कॉलेज जाओगे तो आप तैयार रहो कि इससे भी बड़ा चैलेंज आपको फेस करना है आगे चल के, क्योंकि ये जर्नी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। ये सबसे आप जो अभी कर रहे हो वन ऑफ द ईजिएस्ट आई वुड से, अगर इस जर्नी में आप कंटिन्यू करने वाले हो तो जो अभी पढ़ रहे हो ना वो वन ऑफ द ईजिएस्ट है, ठीक है, सबसे आसान अभी का है, आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड अभी मैं सब कुछ के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू थिंक वंस, एक बार अपने आप को एक कॉलेज में रखकर MBBS के सिलेबस के बारे में सोचकर, जो आप सुनते हो लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, लाइफ कैसी होती है, एक बार अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके सोचो और हर एस्पेक्ट में सोचो, एक बार बस सोचो, जिससे कि हो सकता है कि आप सही डिसीजन ले पाओ। आप एक बार, हो सकता है कि आप जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बॉक्स के अंदर रहकर सोच रहे हो ना कि नहीं मुझे यही करना है, यही है, यही मेरी खुशी का ये है वो, आप थोड़ा सा रिलीव हो जाओगे, क्योंकि आपको 100% समझ में आ जाएगा कि क्या ये आपके लिए बेस्ट है या वन ऑफ द बेस्ट है, और मे बी यू आर बेटर फॉर समथिंग एल्स टू। ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू शुड लीव MBBS, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि आप मत करो ये सब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप करो, बिल्कुल करो, इसके बाद भी बहुत कुछ होता है जो आपको करना होता है, लेकिन एक बार सोचो ज़रूर। क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक बार एक डॉक्टर से मिलने गई थी, तो उनको मैंने बताया था कि मुझे MBBS करना है, देन शी वॉज लाइक यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, आई सेड आई हैव, देन शी सेड यू शुड ऑल्सो हैव अ प्लान सी, देन आई डेंट हैव प्लान सी, एंड बिकॉज शी न्यू दैट इट्स नॉट द वे अ प्री मेडिकल स्टूडेंट थिंक्स, इट्स नॉट एवरीथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू कि एक बार जस्ट, अगर मुझे अपनी बड़ी दीदी समझते हो तो बस एक बार सोचना, बस एक बार, ठीक है, ओके, बाय।